यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पीएम मोदी के सपने के हाईवे को जनता को समर्पित कर दिया गया है और ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे का आज पीएम ने खुद यूपी के बागपत में इसका उद्घाटन किया है। और इसके अलावा आपको बता दें, इस हाईवे से यूपी, हरियाणा और दिल्ली के लोगों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। और इसी मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित भी किया और साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम मोदी के साथ जो है जनता का आभार जताया और साथ ही पीएम का भी आभार दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जताया है। 4 वर्ष पहले जहां एक दिन में सिर्फ 12 किलोमीटर हाईवे बनते थे, आज लगभग 27 किलोमीटर हाईवे एक दिन में बनते हैं। इस वर्ष के बजट में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 5,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत लगभग 35,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। हाईवे ही नहीं, रेलवे में भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। जहां रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं थी, वहां तेजी से रेल नेटवर्क बिछाया जा रहा है। सिंगल लाइनों को डबल में बदलना, मीटर ग्रेज को ब्रॉडगेज में बदलना, इस काम को तेज गति से हम कर रहे हैं। ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ाई जा रही है। मैं आज आप सबके सामने विश्वास देना चाहता हूं कि गंगा के 210 प्रोजेक्ट में से 47 प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं, 105 प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है, 35 से 40 प्रोजेक्ट टेंडर में हो चुके हैं और 10 से 15 प्रोजेक्ट का डीपीआर बन रहा है। मैं योगी जी को, उत्तर प्रदेश की जनता को यह विश्वास देना चाहता हूं कि अगले मार्च समाप्त होने के पहले 70 से 80% गंगा ये निर्मल होगी और प्रधानमंत्री के क्लीन गंगा इसका जो सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। दिल्ली का जो सहारनपुर का राजमार्ग है, मैं 3 साल से कहने पर आपके कोशिश कर रहा था, पर योगी जी के आने के बाद ही एनओसी मिला। अब उसको राष्ट्रीय महामार्ग घोषित किया गया है और ये हाईवे जितना सुंदर बना है उतना ही सुंदर ये दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेस हाईवे बनेगा जो डेहराडून तक जोड़ा जाएगा। देश को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन बनने जा रही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से अभिनंदन करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, ये जो एक्सप्रेसवे बना है, मुझे धन है कि इसका जो शिलान्यास हुआ था यमुना के उस पार हरियाणा की भूमि पर कुंडली गांव में हुआ था, कुंडली गांव में शिलान्यास और यहाँ आज इसका लोकार्पण, एक प्रकार से उत्तर प्रदेश इस ओर, हरियाणा उस ओर, ये आर पार का जो संबंध, हमारा सदियों पुराना जो संबंध है उसको और मजबूत करेगा। हमारे इन संबंधों में हमको मालूम है भगवान श्री कृष्ण जिनकी जन्मस्थली उत्तर प्रदेश और जिनकी कर्मस्थली हरियाणा कुरुक्षेत्र, ऐसे हमारे संबंध प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंध, इन संबंधों में इंफ्रास्ट्रक्चर के इन सब कामों से बहुत ही बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ हरियाणा के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास, जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, जिनका उद्घाटन, जिसमें एक का उल्लेख नितिन गडकरी जी ने किया है। इसी प्रकार दिल्ली से बहादुरगढ़ की मेट्रो ट्रेन यह तैयार हो चुकी है, ऐसे ही हमारी एक स्किल यूनिवर्सिटी वो तैयार है, केंद्रीय कई प्रोजेक्ट तैयार हैं। तो अगले 2 महीने के अंदर हम प्रधानमंत्री जी का समय लेकर के इसी प्रकार की एक बड़ी सभा करके इस उद्घाटन के कार्यक्रम को कराएंगे।